बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सहर्स किचन। आज हम ये माइलन थीम केक बनाएंगे। उसके सबसे पहले हम फोंडेंट टॉपर्स रेडी करेंगे। रेड फोंडेंट को मैं बेल रही हूँ और इस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उनको मेरे बाजू से फील हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा पसीना आ गया था वीडियो शूट करने के दौरान भी। आपने फोंडेंट की दरमियानी सी थिकनेस रखनी है और यूँ आपने एक राउंड कटर ले लेना है और उससे माइलन्स को कट कर लेना है राउंड शेप में। थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं क्योंकि ये इसके साइज़ में नहीं आ रहा, और इस तरह हम कट करके मिड में से इसको हॉफ कर लेंगे और इस तरह हमें दो मेलन स्लाइस मिल जाएंगे। इक्वल कट करना है आपने, बिल्कुल हाथ से थोड़ा सा शेप दे दें। अगर आपको हल्का फुल्का इसमें लगे कि कुछ ख़राबी है, अब आपने क्या करना है इसके लिए वाइट एंड ग्रीन स्ट्रिप बनानी है, बिल्कुल जैसे मैंने आपको दिखाया है। पहले साइड पे आप यूँ पानी लगा लें या कोई भी जिससे आप अपनी फोंडेंट को स्टिक कर सकें, शॉर्टनिंग वगैरह कुछ भी। अच्छा, ये मैंने वाइट स्ट्रिप वाइट फोंडेंट को रोल करके एक पतली सी वाइट स्ट्रिप जितनी रेड की थिकनेस है उतनी मैंने कट कर ली थी और इस तरह मैं लगा रही हूँ। एक्स्ट्रा हम कट कर देंगे। इसी तरह फिर मैं ग्रीन फोंडेंट रोल करूँगी और उसको भी इस तरह स्ट्रिप फॉर्म में कट कर लूँगी, और वाइट के साथ हमने इसको अटैच करना होगा। लेकिन अगेन वाइट फोंडेंट के ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएंगे। मैं तो हमेशा पानी यूज़ करती हूँ, आप इस पे शॉर्टनिंग भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको जोड़ने के लिए जेल भी मिलती है और वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी वाटर है तो वो बेस्ट रहेगा। इसी तरह हमने ग्रीन स्ट्रिप भी लगा दी। इस तरह हमारा एक जो है वो स्लाइस रेडी हो जाएगा। जो मेरे पास सैम्पल था उसमें कहीं भी सीड्स नहीं थे स्लाइस के ऊपर, तो आप सीड्स वगैरह भी बना सकते हैं। एक दो के ऊपर बनाया था लेकिन मुझे आइडिया नहीं था, मैंने फिर बाकी सब पे नहीं बनाया। वो आप ऐसे कर सकते हैं, ब्लैक फोंडेंट से छोटे छोटे डॉट्स लगा सकते हैं, एडिबल मार्कर से लगा सकते हैं, और सबसे बेस्ट ये है कलवंची लेके आप उसको ऊपर लगा के रोल कर लें तो वो भी उसी फॉर्म में आ जाएगा। अब हम ये सीड्स बनाएंगे, मैंने पहले से बनाए हुए हैं, एक आपके सामने बना देती हूँ। आपने ब्लैक फोंडेंट लेना है, उसको रोल कर लेना है और बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा थिन नहीं रखना। आप इसको रोल कर लें और रोल करने के बाद हम इसको आप हाथ से भी शेप दे सकते हैं। एक साइड से आपने कॉर्नर बनाना है और एक साइड पे आपने राउंड छोड़ना है, या फिर जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ओवल, मेरे पास प्लंजर्स हैं उससे भी आप कर सकते हैं। इससे बहुत बेस्ट रहेगा, एक एग्जैक्ट शेप आ जाती है, नहीं है तो मैंने आपको दूसरी तरह भी बता दिया। मेरा प्लंजर थोड़ा सा ख़राब हुआ हुआ है, इसका स्प्रिंग घूम गया तो मुझे फिर टूथपिक की मदद से निकालना पड़ रहा है। अब आपने देखें एक साइड से इसको कॉर्नर बनाना है, थिन कॉर्नर, और दूसरी साइड को वैसे ही राउंड रहने दें, तो ये इस तरह सीड रेडी हो जाएगा। एक और मैं आपके सामने बना देती हूँ और सेम आप ऐसे करेंगे, ये परफेक्ट बन गया। अब इसे एक नीट लुक आएगी। अब हम इसके बाद बना लेते हैं आइस। तो आइस के लिए भी आपने स्मॉल राउंड कटर ले लेना है और इसको आपने फिर कट कर लेना है। फोंडेंट वही बात है ना, तो बहुत थिन हो ना ही बहुत थिक हो, दरमियानी ही आपने रखनी है। और इसको रोल करने के लिए मैंने कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है। एक आई बन गई है, अब दूसरी भी हम इसी तरह कटर से कट कर लेते हैं। हमें राउंड चाहिए आइस, ठीक है। अब हम लैशेस बनाएंगे, उसके लिए हम ब्लैक फोंडेंट ही लेंगे, उसको मैं थिन सा रोल कर रही हूँ और हम इसकी लैश बना लेंगे। और जितनी आपको बड़ी छोटी चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप उसको कट कर लें, जैसे मैं कट कर रही हूँ। इसी तरह हम दो तीन और बना लेंगे लैश। ये देखें लैशेस रेडी हैं। अब हम इसी तरह, हमारे पास ये सारे जो इसके टॉपर्स थे केक के वो रेडी हो चुके हैं। ये इस जो अल्फ़ाबेट कटर है मैंने इससे नेम कट किया है, ये मैं आपको अपनी पहली वीडियोज़ में भी दिखा चुकी हूँ। अब हमने ये ऑलरेडी जो है मैंने केक जो है फ्रॉस्ट किया हुआ था, इसको अच्छे से चिल कर लिया और फ्रिज में उसके ऊपर थोड़ा सा पानी गिर गया।
लाइट गई और वो बर्फ मेल्ट हुई तो उसके ऊपर थोड़ा से पानी के ड्रॉप्स गिर गए। अच्छा, ये मैंने ग्रीन फोंडेंट जो है वो रोल करके कट कर ली थी, तकरीबन हाफ इंच या इंच के पे आप इसको कट कर लें। इसके बाद हमने एक वाइट स्ट्रिप लगानी है, उसको मैंने ग्रीन से हाफ पे जो है वो कट कर ली थी। सिंपल जो है वो मैंने कट किया है इसको हाफ इंच पे। अब हम इसकी आइज़ लगाएंगे। अच्छा, आइज़ में मैंने वाइट डॉट्स जो है वाइट फॉन्डेंट से ही बनाए हैं। ये थोड़ा सा पोर्शन जो है वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये तो मैं आपको नहीं बता सकी। उसके बाद हमने इसके लिप्स बना लिए और वो भी मैंने ब्लैक फॉन्डेंट को रोल करके बनाया, और चीक्स इस केक पे वाइट बनी हुई थी, जो मैंने ओवल कटर आपको बताया उसी से मैंने उसके बड़े साइज से मैंने कट कर लिया, और नोज़ भी जो ओवल आपको मैंने प्लंजर दिखाया था उससे हमने कट कर लिया ओवल शेप में। और इसी तरह जो मेलन्स थे इसके ऊपर भी लैशेस बनी हुई थी जो मैंने एडिबल मार्कर से बना ली, और उसी तरह हमने चीक्स वाइट कलर की स्मॉल जो मेरा ओवल प्लंजर था उससे मैंने बना लिया। अब जो हमने सीड्स बनाए थे वो मैं पूरे केक पे लगा रही हूँ, रेंडम लगाते जाएंगे, जहाँ भी बहुत कंजेस्टेड नहीं करना, बस आपने इक्वल डिस्टेंस पे इसको लगा देना है। इस तरह हम पूरे केक पे लगा देंगे इसको। ये थोड़ा सा पानी जो गिर गया ये मुझे बहुत इरीटेट कर रहा है। अच्छा, रेड कलर बहुत शार्प आ जाता है, इंशाल्लाह इसके लिए भी जल्द ही वीडियो आएगी, जिससे ना तो क्रीम बिटर होगी और रेड कलर भी शार्प आ जाता है। जैसे ये वीडियो में शायद आपको कम लग रहा हो, लेकिन ये रियल में काफ़ी ज़्यादा शार्प था, इससे क्रीम बिटर भी नहीं होती और ना ही क्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है। आप देख रहे होंगे मेरे केक के ऊपर बिल्कुल स्मूथ लगी हुई है। अब मैंने मेलन स्लाइसिस के ऊपर मैंने बना लिया थी आइज़ एडबल मार्कर से, और चीक्स बिल्कुल वही वाइट प्लंजर जो यूज़ किया था मैंने आपको बताया था उसी से बना लिया था। अब अकॉर्डिंग टू रेफरेंस पिक्चर जो है मैं मेलन स्लाइसिस को अरेंज कर रही हूँ। टूथपिक की मदद से मैं इनको अटैच कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही हो लगता है कि बहुत चांसेस होते हैं कि कोई भी आप टॉपर लगा रहे हैं विदाउट टूथपिक लगाएंगे तो उसके गिरने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, इनके ऊपर डिफरेंट आइज स्टाइल में आइज बनी हुई थी, और उसी तरह रेफरेंस पिक्चर को देखते हुए मैंने बना दिया। दो स्लाइस पीछे थे और दो जो है फ्रंट पे थे, इस तरह हमने रख दिया। बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था माशाल्लाह। ये एक मुझे इसकी लोकेशन ठीक नहीं लग रही थी, मैंने इसको अरेंज करके दोबारा रख दिया और दोबारा से मैंने इसके अंदर टूथपिक डाल दी। अच्छा, फोंडेंट टॉपर्स जो है क्रीम के ऊपर भी मेल्ट नहीं करते, बस कुछ टेक्निक्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं, और उसके बाद आपके जो टॉपर्स हैं वो क्रीम पे भी इंशाल्लाह स्टे करेंगे। इंशाल्लाह ये भी जल्दी मैं आपको सिखाऊंगी। अब बाकी वाले जो टॉपर्स रह गए हैं हम उसको भी अटैच कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ, लेकिन कितना क्यूट लग रहा है। अच्छा, ये टॉपर थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने इसको शैशलिक स्टिक लगा के मैंने इसको खड़ा किया, क्योंकि टूथपिक छोटी होती है, वो बड़ी थी तो हमें बाकी से इसको थोड़ा ऊंचा रखना था, इसलिए हमने वो स्टिक यूज़ कर ली। जो लास्ट स्लाइस था वो थोड़ा सा टिल्ट था, हमने उसको वैसे ही रख लिया, प्लेट पे नेम लिख लिया हैप्पी बर्थडे दानीन। बहुत खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।